अलग अलग रंगों में अपनी उंगलियों को डुबोते हैं ताकि उस पर अच्छे से रंग लग जाए, लेकिन ज्यादा नहीं, बस हल्का सा रंग लगाना है और फिर हम इसे यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें नजर आ रहे हैं तितली के दो पंख। अब हम इसे सूखने देते हैं। अब हम इस्तेमाल करते हैं अपना अंगूठा, क्योंकि हमें बनाना है हाथी। हम हाथी किसी भी रंग का बना सकते हैं, तो सबसे पहले अपनी उंगलियों को पोंछ लेते हैं वरना रंग लग जाएगा कागज पर। ठीक है, और अब हम अपना अंगूठा लगाते हैं। हमने अपना ये अंगूठा लिया और हम बनाएंगे नीले रंग का हाथी, तो फिर हमने अपने अंगूठे को अच्छे से रंग में डुबो लिया और थोड़ा सा लंबा करेंगे तो मोटा हाथी बनेगा। और हम क्या करेंगे, इस अंगूठे को हम लगा देंगे ऐसे, और ये हमने अपना हाथ हटा लिया। हम अपने अंगूठे को भी साफ कर लेंगे ताकि कागज पर रंग ना आए। अब हमें करना क्या है, हम करेंगे इन रंगों के सूखने का थोड़ा सा इंतजार, लेकिन तब तक हम तितली बनाने के लिए इसमें लाइनें खींचना शुरू करते हैं। तो हम बनाते तितली, हमें क्या करना है, हमें खींचनी है एक बीच में लाइन। एक लाइन हमने खींची और इसके बाद इसकी ये ऐसी डंडियां से हमने बना दी। तो लीजिए साहब, आपकी तितली तैयार है। अब आप चाहे तो अपनी तितली को किसी भी रंगों से सजा सकते हैं। और अब हम बनाएंगे हाथी, तो हम तैयार हैं हाथी बनाने के लिए। तो हमने ये बनाई हाथी की सूंड, और ये बनाए हाथी के पैर, और हाथी की ये पूंछ। तो ये हमने बना दिया अपना हाथी। अब हम क्या करेंगे, और अब हम बनाएंगे मकड़ी। तो फिर हम मकड़ी बनाएंगे अपने उंगली से। तो उंगली से मकड़ी बनाने के लिए हम लेते हैं अभी पीला रंग। हमने पीले रंग में अपनी उंगली डुबोई हल्का सा ताकि रंग जल्दी सूख जाए, और फिर हमने ये जो उंगली की टिप है इसी को हम इस्तेमाल करेंगे और ये हमने यहाँ लगा दी। बस ये हमने हल्की सी मकड़ी बनाने के लिए रंग लगा दिया। अब हमको करना क्या है, अब हमें करना ये है इसके पैर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसके ये सूंड सी बना देते हैं, फिर इसके ये पैर बना देते हैं। और एक तरफ कितने पैर हैं, चार। दूसरी तरफ कितने पैर हैं, स्वाभाविक है चार पैर ही होंगे। तो ये बन गई हमारी मकड़ी। जब हमारा रंग सूख जाए और अच्छी तरह से, तो आप इनका चेहरा भी बना सकते हैं। चेहरा बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो आंखें और एक मुंह बनाना है। तो फिर हम ये दो आंखें बना दी और हमने बना दिया चेहरा। तो लीजिए साहब, आपकी मकड़ी तैयार है। अब क्या करेंगे, अब मैं बनाऊंगी अपने दोस्तों की तस्वीरें। अब मुझे मजा आने लगा है तस्वीर बनाने में। तो हम वापस उंगली लेते हैं और इस बार हम लेते हैं हरा रंग। ठीक है, हरे रंग पे हम अपनी दोनों उंगलियों में हरा रंग नहीं लगाएंगे, एक में लगाएंगे हरा रंग और एक में लगाएंगे ये हल्का सा लाल रंग। ठीक है, लेकिन ये रंग दोनों थोड़े से नीचे होने चाहिए। और ये हमने इन्हें छाप दिया। ऐसे उंगलियों को आगे पीछे करेंगे तो ये लंबाई में आएगा। देखा, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है चेहरा। हम वापस अपनी उंगलियों को पोंछ लेते हैं ताकि रंग कागज पे ना लगे। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इनके बाल। तो बाल जिस तरह से आपके दोस्त बनाते हैं वैसे वैसे बना दीजिए। चाहे तो आप चोटी बना सकते हैं, और हम ये चोटी नहीं, हम तो खड़े हुए बाल बनाएंगे। ये बना दिए हमने खड़े हुए बाल। और क्या किया हमने, हम इनकी बना देंगे आंखें और नाक और एक छोटा सा चेहरा। तो आप किसी भी तरह से अपने दोस्तों की तस्वीरें बना सकते हैं। रंग थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद जब आप चेहरे के हाव भाव बनाएंगे तो वो ज्यादा उभर कर आएंगे। तो ऐसे ही आप अंगूठे की छाप बनाइए और किसी